नमस्कार दोस्तों, टेंडे एमडेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम आपके लिए सबसे ताज़ा अपडेट लेके आए हैं। प्रेस नोट है जिसमें एग्ज़ामिनेशन की स्टार्टिंग डेट बताई गई है। बीटेक के एग्ज़ाम्स 5 तारीख से शुरू हैं, एमटेक, एममार्क, एम प्लानिंग इसके भी 5 से शुरू हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम इनके 7, 11 से शुरू हैं, एमबीए, एमसीए, एमलिब, एलएलएम, एमएच, एमसीटी इनके हैं 7 नवंबर से, एमबीए 5 ईयर इंटीग्रेटेड, एमबीए ऑनर्स, एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स इनके हैं 7 नवंबर से, और बीबीए, बीसीए के 4 नवंबर से हैं। तो दोस्तों, इनमें से कई डेट शीट वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी हैं, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, और जो अपलोड नहीं हुई हैं रात तक अपलोड हो जाएंगी। आपके पास सबसे लेटेस्ट अपडेट पहुंची है, तो आप अपनी एग्ज़ाम की कमेंसमेंट डेट के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा था स्टूडेंट्स का, जो इलेक्टिव और फाउंडेशन की डेट शीट डली हुई है उसके ऊपर ओनली रीअपियर नहीं लिखा हुआ। तो लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि एमडीओ की वेबसाइट पर सिर्फ एमए, एमकॉम इनकी रीअपियर की डेट शीट डली है। उस रीअपियर की डेट शीट में लिखा हुआ है कि फाउंडेशन और इलेक्टिव की डेट शीट अलग से डली हुई है, तो वो रीअपियर का हिस्सा है, उनका रेगुलर से कोई लेना देना उस पर ना लिखने के बावजूद भी नहीं है। यह चीज़ें इम्प्लाइड होती हैं, तो उसके बारे में रेगुलर स्टूडेंट्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता करने की बात तो यह है कि ना रिज़ल्ट आ रहा है रेगुलर स्टूडेंट का और ना ही उनके एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं। बात ये है चिंता करने योग्य, जब तक रिज़ल्ट कोई नहीं आ जाता प्रमोट का, तब तक एमडीयू का ऐसा ही कारवां है। एमडीयू को लगता है खुद को ही नहीं पता कि उन्होंने पेपर लेने हैं तो कब लेने हैं, नहीं लेने तो कब रिज़ल्ट देना है, ऐसी बात है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपको बीटेक की डेट शीट दोबारा दिखा देता हूँ साफ सी। ये दोस्तों 7th सेम की डेट शीट है बीटेक की, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं धीरे धीरे चला देता हूँ, जिसका जो पेपर हो आप देख सकते हैं। ये रही डेट शीट 7th सेम बीई और बीटेक की, स्पेशल चांस होता है जो, और मैंने आपको पहले भी कहा था स्पेशल चांस की सबकी परीक्षाएं करवाई जाएंगी जिन्होंने रीअपियर का फॉर्म भरा हुआ है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें जिसकी भी डेट शीट हो, 11 बजे वाली शिफ्ट है। और आगे हम आपके साथ दूसरी डेट शीटें भी शेयर कर देते हैं। यह अभी ऑफिशियल नहीं आई है, इसमें यहाँ पे डेट नहीं लिखी हुई, और यह कल का नोटिस है, आपको मैं बैक करके दिखाता हूँ। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे बीएस सिंधु सर ने साइन करे हैं, उसके नीचे डेट लिखी हुई है 28/10। तो मतलब कल का नोटिस है, कल का प्रेस नोट है ये, और ये वेबसाइट पे भी अब तक अपलोड नहीं हुआ है। यह फेसबुक के पेज पर, एमडीयू का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है वहाँ अपलोड हुआ है, और यह डेट शीट कल की बनी हुई वायरल हो रही थी। वो मैंने भी कहा था, क्योंकि यह सारा सिनेरियो देख के हर बारीकी चीज़ लिखी हुई है, तो मैंने कहा था ये आप टेंटेटिव सही लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी जानकारी सही थी। तो दोस्तों, वही डेट शीट आज रात को अपलोड हो जाएगी। अगर एक आधा कोई चेंज हुआ छोटा मोटा तो चेंज होएगा एज इट इज़, वरना वो डेट शीट अपलोड हो जाएगी रात तक। तो इनमें एमए, एमएससी, एमकॉम इनकी डेट शीट आ चुकी हैं, एमबीए की अभी नहीं आई है, आ जाएगी रात तक, एमसीए की भी सेम, और बाकी बीबीए, बीसीए की भी डेट शीट आ चुकी हैं। और बात आती है रोल नंबर की, तो मैं कहना चाहूँगा एमए, एमएससी, एमकॉम इनकी जितने की भी डेट शीट आई है, आपके रोल नंबर आपको अपने कॉलेज से मिलेंगे, जिसके कॉलेज से नहीं मिलेंगे, जिन्होंने मार्च के बाद फॉर्म भरा था, एमडीयू की वेबसाइट से फॉर्म भरा था, उनके 2 लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनके रोल नंबर वहाँ से निकलेंगे। जब भी जिन्होंने स्टूडेंट पोर्टल से रीअपियर फॉर्म भरा था, उनके रोल नंबर लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है, वहीं पर आएंगे, उनको चिंता करने की बात नहीं है, और बाकियों के कॉलेज से मिलेंगे। और जाट कॉलेज, नेकीराम कॉलेज, आईसी कॉलेज, इनके मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, इनके पीजी के भी अपडेट हो रहे हैं, एडमिट कार्ड यूजी के भी अपडेट हो रहे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपने कॉलेज से पता कर सकते हैं कि कैसे वो आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड करा रहे हैं। कई कॉलेज दोस्तों ऐसे होता है कि जो ऑफलाइन ही देते हैं, ऑनलाइन देते ही नहीं, वेबसाइट पर भी नहीं डालते, ऐसे भी कॉलेज हैं। और कई कॉलेज हैं वेबसाइट पर डालते हैं, जैसे जाट, नेकीराम और आईसी कॉलेज ने डाल रखे हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को ऐसी ही लाइव अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो, धन्यवाद सभी का।